नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघुनंदन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर लाइफ साइट विजिट। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले आज आप सबको हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है YouTube पे, हमारे Instagram पे, कभी कभी विश्वास नहीं होता कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी और आज हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। और ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि कभी कभार हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। हमारी इतनी गलतियां होती हैं, हमारा कभी कभार हम काफ़ी चीज़ों में लैग कर जाते हैं, बट उसके बावजूद आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सपोर्टिव रहे हैं आप अभी तक की जर्नी में, उस सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद आपका। तो आज हम बात करेंगे 1 BHK की। चंडीगढ़ ट्राई सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो तबका, जिसे आप बोल सकते हो, जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे अराउंड द कॉर्नर, आप ट्राई सिटी की बात करें तो काफ़ी वास्ट हो चुकी है। चंडीगढ़ अब चंडीगढ़ नहीं रहा, जीरकपुर से लेके डेरा बस्सी से लेके इधर खरड़ कुराली आप चले जाते हैं, मोहाली, ग्रेटर मोहाली के पार्ट सब आ चुके हैं। तो आज हम जो चीज़ लेके आए हैं उन सभी अपने व्यूअर्स के लिए लेके आए हैं जो रेंटल पे हैं, जिनका रेंट की क्वेरी आती है कि इतने में हमें रेंट का अगर आप काम करते हैं तो प्लीज़ आप कुछ रेंटल की ऑप्शन दें। तो उनको ऑप्शन देने, रेंटल के ऑप्शन देने के बजाय हम जो लेके आए हैं चीज़, वो जो आप जितना आप रेंटल देंगे उतना आपकी होम लोन की इंस्टॉलमेंट बनेगी इस प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिकली, जिसमें कि आपकी अपना घर चंडीगढ़ के अंदर होना सबका एक सपना होता है और हम कोशिश कर रहे हैं उस सपने को साकार करने की। तो ये जो प्रॉपर्टी रहेगी ये आपकी 65 स्क्वायर यार्ड में 1 BHK हम आपको आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, गेटेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है ये। और लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो सेक्टर 126 मोहाली का ये पड़ता है। बहुत ही शानदार लोकेशन है, बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट रोड से हार्डली आपने 1 किलोमीटर अंदर ट्रैवल करना है। 1 किलोमीटर के ट्रैवल में आपको जो एमिनिटीज़ मिलती हैं इस प्रोजेक्ट के अराउंड द कॉर्नर, कमर्शियल की बात कर लीजिए आप, हॉस्पिटल्स की बात कर लीजिए, स्कूल तक आपको इस प्रॉपर्टी के दायरे में मिलते हैं। तो छोटी से छोटी हर एक चीज़ जो है वो सेक्टर 126 में अवेलेबल है। आप आए भी होंगे, आपने घूमा भी होगा ये सेक्टर। तो एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो सेक्टर है, सेक्टर 126, इसके हार्डली 2 किलोमीटर के ट्रैवल पे ही IIT का जो बहुत बड़ा मोहाली में एक आप कह सकते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत ही कम्युनिकेबल डिस्टेंस पे रहेगी। 2 किलोमीटर के अराउंड पे यहाँ से IIT कंपनीज सारी स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, जो आप मोहाली में अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपकी जो वैल्यू आती है 12,000 से लेकर 18,000, 22,000, 25,000 तक का आपको फ्लोर मिलता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करते हैं, अपनी खुद की घर अपना आप बनाते हैं, तो इससे कम में आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है इस चीज़ के लिए। तो आज कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ समझा पाएँ, दिखा पाएँ जो आपके बजट में भी फिट बैठे और आपके लाइफस्टाइल पे भी फिट बैठे। तो आइए चलते हैं। सो फैमिली, ये हमारा मेन एंट्रेंस रहेगा जिसमें कि आपको 1 फ्लोर पे 2 फ्लैट मिल रहे हैं आमने सामने कॉन्सेप्ट में। G+2 का स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, आइए चलते हैं अंदर। सो फैमिली, आज जो हम प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको दिखा रहे हैं, वो रहेगा 65 स्क्वायर यार्ड में 65 गज में 1 BHK हम आपके लिए लेके आए हैं, अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट में आपको 1 BHK हम लेके आए हैं, गेटेड सोसाइटी का प्रोडक्ट रहेगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि इस सोसाइटी में या इस घर के आसपास कोई आपको ना बिजली के खंभे, वायर्स आपको घर के बाहर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी अंडरग्राउंड कर रखी हैं, सारी वायरिंग आपकी अंडरग्राउंड है। वाटर की जो सप्लाई है वो MC से रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपकी MC से रहेगी, जो सीवरेज कनेक्शन है वो ऑलरेडी डन है, मेन लाइन के साथ कनेक्टेड हैं ऑलरेडी ये सारे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो मिल रही हैं 1 BHK गेटेड सोसाइटी 65 स्क्वायर यार्ड इन अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही हैं।
ये आपका एंटर करते ही आपकी लॉबी आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं, इसको आप सिटिंग एरिया, गेस्ट एरिया, ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, जैसे आपकी यूटिलाइजेशन है वैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वॉल आपको पीओपी वर्क इसमें आपको मिल रहा है, बहुत शानदार वॉल आपको इसमें मिलती है, वेलकम वॉल, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एलईडी पैनल की अगर हम बात करें, एलईडी पैनल आपको मिल रहा है इस घर के सब, इस घर की जो सबसे शानदार चीज़ जो है, आप इसकी जो विंडो देखेंगे, सिंगल गो में, सिंगल फ्रेम में आपको विंडो मिल रही है विद टफन ग्लास, जो कि बहुत ही शानदार लगती है, जिससे कि अगर आप नेचुरल लाइट, अगर इस घर में लाइट नहीं भी होती है तो भी आपको घर में अंधेरा कहीं फील नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी फील नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी विंडो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, सिंगल फ्रेम में आपको मिल रही है। इधर से हटते ही, जैसे ही आप अपने ड्राइंग एरिया से हटते हैं, आपको वॉकेबल किचन मिल रही है मार्बल टॉपिंग के साथ, सॉफ्ट क्लोजर रैक्स रहेंगे इसके अंदर, प्रॉपर रैकिंग की गई है, आउटफिट्स इसके सारे ही जो आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से इसको यूटिलाइज किया गया है स्पेस को। ऊपर भी आपको जो है स्टोरेज मिल रही है, सॉफ्ट क्लोजर के साथ हाइड्रोलिक रैक्स रहेंगे, चिमनी की आपको अल्टरनेट दिया हुआ है कि चिमनी की स्पेस कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे आपका हॉब आ जाता है, यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन विंडो भी दी गई है कि जो चिमनी के साथ एग्जॉस्ट इनकेस अगर आपका काम नहीं कर रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है तो वेंटिलेशन विंडो जो है आपकी नेचुरल लाइट और नेचुरल लाइट के लिए आपको दी गई है। आगे बढ़ते हैं अपने बेडरूम की तरफ। बेडरूम का साइज जो मैटर करता है हर एक घर के लिए, हर एक फैमिली के लिए, और ये जो कॉन्सेप्ट है 65 स्क्वायर यार्ड में है। 65 स्क्वायर यार्ड में 14x14 का कमरा देना एक खुद में ही एक गजब की बात है। 14x14 का कमरा रूम साइज जो है इतना स्पेशियस है कि आपकी रूफ टॉप कबर्ड आने के बाद भी एलईडी पैनल आपका आया हुआ है, ऑलरेडी आपको जो इंस्टॉल मिल रहा है, मास्टर किंग साइज बेडरूम इसमें आपको मिल रहा है। बेडरूम में पीओपी का आपको दीवार में काम आपको मिल रहा है, इसमें इतना स्पेस है कि अगर यहाँ पे आपने दो चेयर्स और लगा के, अगर आईटी का आपका काम है, कोई वर्क फ्रॉम होम आपका चल रहा है, तो भी आप इस कमरे के अंदर कंफर्टेबली उसको कर सकते हैं। कबर्ड एक बार दोबारा फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रूफ टॉप कबर्ड है सॉफ्ट क्लोजर के साथ, हर एक प्रॉपर रैक्स आपको दिए हैं, शू रैक आपको इसमें इनबिल्ट मिल रहा है, ऊपर आपकी जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिल रही है, सो दैट कि कल को आपको कहीं टाइडीनेस ना रहे घर के अंदर। बात करते हैं हम अपने वॉशिंग एरिया की, तो बैक साइड पे हमें अपना वॉशिंग एरिया भी मिल रहा है, इसको आप एज अ स्टोर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ऊपर तो स्काई स्पेस रहेगा बेसिकली है, और यहाँ पे आप इसको अपना एज अ वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। वॉशरूम के इसमें आपको जो है वेंटिलेशन दी गई है। अब वॉशरूम की तरफ बढ़ेंगे। वॉशरूम अगर आप देखें, इसकी जो घर की जो फील है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी होटल में आप आए हैं, एक अपना हॉलिडे स्पेंड कर रहे हैं, दो दिन का, एक दिन का, आपके माइंड को रिलैक्स चाहिए, तो बहुत ही शानदार, मतलब एक ऐसी फीलिंग आना किसी भी घर के लिए एक खुद में एक बहुत एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स लेके आती हैं जी। अगर आप वॉशरूम भी देखें, कलर कॉम्बिनेशन अगर आपने घर में नोटिस किया होगा, क्योंकि डार्क कलर कॉम्बिनेशन इसमें रखा हुआ है, जिसमें कि आपको रूफ टॉप टाइल मिल रही है, वॉश बेसिन इसमें आपको मिल रहा है, आपको सीट इसमें आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रही है, मॉड्यूलेटेड टैब्स आपको मिल रहे हैं, ऊपर आपको शार्क का कॉन्सेप्ट आपको दिया है, बहुत शानदार तरीके से 1 BHK का स्पेस जो है यूटिलाइज किया हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा टूर 65 स्क्वायर यार्ड में 1 BHK गेटेड सोसाइटी, आपका अंडरग्राउंड इसमें वायरिंग रहेगी, MC का पानी इसमें रहेगा, MC की इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आपको रहेगा, सीवरेज के कनेक्शन सारे डन है, गेटेड सोसाइटी है, 1 BHK कॉन्सेप्ट में बिल्डर बहुत ही शानदार चीज़ लेके आए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये घर जो कि एक होटल आउटलुक में आपको दिया जा रहा है कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा, और क्या आपकी इसके बाद मतलब कोई भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहती है कि कुछ और आपको अगर कुछ देखना है तो प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।